नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। गंगा पुत्र आत्मबोधानंद 6 महीने से है उपवास पर, आखिर सरकार क्यों है मौन? यूं तो लाखों लोग गंगा में अपने पाप धोने जाते हैं और उनमें नहाकर पानी को गंदा करते हैं, वीडियो और फोटो खींचकर खुश होते हैं, लेकिन उस गंगा का असली दर्द क्या है यह कोई नहीं समझता। भारत की पहचान गंगा अपने ही मायके उत्तराखंड में बने बड़े बड़े बांधों में बंध रही है। इन बांधों ने गंगा का रूप समाप्त कर दिया है। आज गंगा या तो जलाशय में दिखती है या फिर सुरंग में मोड़ दी गई है और नदी ताल सूखा है, जिसे नदी में मिलने वाली मछली, रेत, लकड़ी आदि जलाचरों का जीवन समाप्त हो गया है। गंगा की इन्हीं समस्याओं को लेकर बनारस में नागनाथ, हरिद्वार में निगमानंद और 26 वर्षीय युवा संत आत्मबोधानंद उपवास पर हैं। सरकार ने गंगा सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी गंगा की सफाई क्यों नहीं हो रही? किसी भी किस्म से हनन नहीं होगा कुंभ क्षेत्र के अंदर, उसको लागू करने में सरकार अपनी मजबूरी दिखा रही है। वो लिख के नहीं दे रही कि हम इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या मजबूरी है? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने जबानी बोला है कि कोई नया बांध गंगा पे नहीं बनेगा, वो उसको लिख के नहीं दे रही है, अनुसूचित नहीं कर रही, क्या मजबूरी है? स्वामी जी की जान ना चली जाए उसके लिए 28 जनवरी 2019 से हम एक क्रमिक अनशन पर हैं। इसको हम ध्यानाकर्षण कहते हैं। अब तो हालत ये आ गई है कि कुछ लोग आकर के इसके अंदर दुविधा डाल के इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं कि ये आवाज़ लोगों तक पहुँच गई, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया तो क्या होगा। हम तो ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, देश के संत अपनी जान स्वयं अनशन करके बड़े निस्वार्थ भाव से वो कह रहे हैं कि अगर गंगा नहीं बचेगी तो हम भी क्या करेंगे जी के, अपने समाज के लिए वो ये कर रहे हैं। क्या ये सरकार ये नहीं कह सकती कि जो बांध बने नहीं हैं, सिंगोली भटवारी, तपोवन विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ पीपल कोटी, हम इसको नहीं बनाएंगे? चलिए ये बात वार्ता की हो सकती है, मातृ सदन से बात करिए, लेकिन जो ऑर्डर आपके अपने हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि चाह करके भी अगर कोई सरकार का नुमाइंदा मजबूर है और कमेटियों में बैठा एक आदमी अलग अलग कमेटी में अलग अलग किस्म की रिपोर्ट को साइन करके दे रहा है, तो ये तो देशवासियों को और गंगा के ऊपर निर्भर 40% हमारी जनसंख्या को जागना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, तभी कुछ होगा इस बात से। और ये जो हमारा क्रमिक अनशन एक डिसिप्लिन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर चलता है, जिसमें हमें इस जगह से इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मौका मिलता है। स्वामी आत्मबोधानंद जी और मातृ सदन की तपस्या के लिए हमारे को एक संवेदना जागृत करने का मौका मिलता है, उसमें अब बाधा आने के बादल छाने शुरू हो गए हैं। हमारे देश के अंदर ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि जब भी कोई निस्वार्थ काम हो रहा होगा तो उसके भक्षण के लिए कहीं ना कहीं से ताकतें आती हैं, उन ताकतों के कोई नुमाइंदे आते हैं, हम नहीं जानते क्या बात है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है, इस तरफ ध्यान दें। गंगा जी की निर्मलता और अविरलता इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो मेडिसिनल कंटेंट है वही इसकी वैल्यू है, जिसकी वजह से इसका पानी सड़ता नहीं है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज की सबसे बड़ी खासियत है वो कॉलीफॉर्म को खाता है, और बैक्टीरियोफेज बांध बनने से सेडिमेंट आगे आते नहीं, उसमें रहता है, ख़त्म हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कौन है जो रोक रहा है? और दिल्ली शहर का 60% से ज़्यादा पानी गंगा जी का आता है, यमुना जी बिल्कुल सूख गई हैं। अगर हम चाहते हैं कि देश में स्वामी आत्मबोधानंद जी और मातृ सदन जैसे संतों की आवाज़ आगे बढ़े और गंगा जी बच सकें और यमुना जी ना बन जाएँ, तो इसके लिए हर देशवासी को पूछना होगा, इसमें किसी किस्म की राजनीति को आने नहीं देना होगा। ये लोगों की ज़रूरत है, लोगों के लिए। सरकार तो जो करती है अपने मुनाफे को देख के करती है, वोट को देख के करती है, लेकिन गंगा मैया तो सीधा सीधा बिना पूछे पानी देती है, उसके लिए तो हमें जागना चाहिए, ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। उमा भार है सर आपका? मेरा नाम पीएस शारदा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। 19-20 जनवरी 2019 को जब मैं गया मातृ सदन में, एक राष्ट्रीय गोष्ठी बुलाई थी, तो मुझे मालूम लगा साइंटिफिक तौर पे स्वामी सानंद जी ने क्या किया। उन्होंने दो पानी के सैंपल लिए, एक सैंपल में उन्होंने अपना टेहरी के पीछे का पानी गोमुख तक का लिया और उसके उन्होंने आगे जाकर के कानपुर के पास और पानी लिया, उसमें उन्होंने कॉलीफॉर्म्स मिलियंस की तादाद में डाले। तो जो उन्होंने कॉलीफॉर्म्स गंगा पानी में टेहरी से पहले में डाले थे वो तो रह गए 4% और बाकी के पानी में 96% बचे। तो इतना नुकसान हो रहा है,
और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, एक हमारी रिवन बेसिन अथॉरिटी है, उसने रिजोल्यूशन पास किया 2010 और 11 के अंदर के गोमुख से लेके और उत्तरकाशी तक एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही है। वो आज तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। और ये जितनी भी बात हो रही है कि गंगा की सफाई करेंगे, पथ भ्रष्ट करने वाली बात है। गंगा जी तो कभी गंदी होती नहीं। इस सारे अभियान का नाम ये होना चाहिए था कि हम गंगा में शहरों की और इंडस्ट्रीज की गंदगी डालना बंद करेंगे। ये तो किसी ने बात नहीं करी। इतना कुछ भटकाव है, ये जब तक देश का हर नागरिक जो गंगा की बूंद पीता है और जो अपने मोक्ष की इच्छा रखता है गंगा के पानी में अपनी राख बहाने के बाद, उसका धर्म बन जाता है कि वो हर किसी किस्म की बाधा को फेस करे और आवाज़ तो उठाए, अपने को व्हाट्सएप में लिखे, अपनी फेसबुक पे लिखे। साधारण तरीके से तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करना चाहते हैं, उसके लिए हम अनुमति लेने गए थे, तो उन्होंने हमें ये स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी पकड़ाई जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि कई कारणों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे पूरी पाबंदी लगा दी जाएगी और सिर्फ धरना यहाँ औपचारिकता बन के रह गई है। देखिए, एक ओर सरकार जूझ रही है कि बेरोजगारी की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है, स्वास्थ्य का संकट तेज़ी से बढ़ रहा है, वो दोनों विषय गंगा नदी की अविरलता और निर्मलता से जुड़े हुए हैं। पहला विषय कि जो बेरोजगारी की समस्या है, जिसमें कभी कह दिया जाता कि पकौड़े तल लो या गटर की गैस पे चाय बना लो, वो कोई समाधान नहीं है, ये हर कोई समझ रहा है। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि जब नदी पे बांध नहीं होंगे, नदी की अविरलता बनी रहेगी, तो जो उसका उर्वरा शक्ति है वो गंगा के बेसिन, जो उसका क्षेत्र है, घाटी सभ्यता है, वहाँ वो खेतों में उर्वरा शक्ति पटा कर आती है, जिससे कि किसानों को अलग से खाद की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से जिन मछुआरों को जब बांध नहीं था तो मछलियाँ उल्टी दिशा में भी चलती हैं, तो वो 10 किलो तक एक स्थान से अपनी गुजारे के लिए, अपने भरण पोषण के लिए मछली पकड़ लेते थे, वो 1 किलो से भी कम मछली पकड़ पा रहे हैं। और दूसरा कि वो मछलियों में जहर घुल रहा है औद्योगिक प्रदूषण का और शहरी प्रदूषण का। तो ये जो जब आप ये आंकड़ा एक गणित करेंगे तो यही 5 करोड़ वो आजीविकाएं हैं जिनके लिए सरकार जूझ रही है और कोई उसका समाधान नहीं दे रही। और उसका समाधान यही है कि गंगा नदी पे जो नए बांध तो बिल्कुल ही ना बनाए जाएं, उत्तरकाशी से लेके गोमुख तक जो उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए। और जैसे दुनिया भर में एक समझ बन रही है कि जो पुराने बड़े डैम्स हैं उनको डीकमीशन किया जाए, तेहरी पे जैसा डैम है वैसा ही ब्राज़ील में एक डैम में जब भूकंप से फटा तो कितने गांव तबाह हो गए। अगर अभी तेहरी में जो अभी सिस्मिक जोन 4-5 में चला गया है, वहाँ यदि भूकंप आता है, जो एक संभावित है, जो एक टेक्टोनिक स्ट्रेस वहाँ बना हुआ है, उससे पूरा का पूरा हरिद्वार क्या दिल्ली तक पानी आ जाएगा। और जो केदारनाथ में घटना हुई, वो घटना की पूरी संभावना अभी भी बनी हुई है, वो त्रासदी के लिए हम तो थोड़े भी सचेत नहीं हुए हैं। दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। UFT न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।